हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी राज्य का जो जनसेवा केंद्र होता है वह किस तरीके से ले सकते हैं, उसमें क्या सर्विसेज होती हैं और इसमें क्या होता है, पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसके लिए, क्योंकि मैं आप यहाँ पर जो होता है आपको दो वेबसाइट है, दो यहाँ पर जनसेवा केंद्र प्रोवाइडर हैं, तो मैं दोनों का पूरा प्रोसेस बताऊँगा तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो कृपया आप पूरी वीडियो देखिएगा और जो प्रोसेस बताया गया है उसे फॉलो करिएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे और भाई लोग भी इसकी हेल्प ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इसमें देखिए, आप जो जनसेवा केंद्र होता है, यहाँ पे जनसेवा केंद्र में यहाँ पर देखिए जो आपकी जो उपलब्ध सेवाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको सेवाएं मिलती हैं, यहाँ पे आय जाति निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। यहाँ पे जन्म मृत्यु अभी पे यहाँ पे लाइव नहीं किया गया है, पर यहाँ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप राशन कार्ड बना सकते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड और ये रेलवे और यहाँ पे जो पेंशन के फॉर्म वगैरह होते हैं, शादी अनुदान और ये सब जो फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर जो छात्रवृत्ति वगैरह और रोजगार मेला वगैरह के यहाँ पे फॉर्म होते हैं, खतौनी जो होता है, ये सारे काम आप अपने जनसेवा केंद्र की आईडी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनसेवा केंद्र ये कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को काम करने के लिए। यदि आप भी किसी भी राज्य से यहाँ पर जनसेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ पर मैं बताऊँगा। आप उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पर आप भी उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो भी आपके कोई भी राज्य है, आप हर राज्य से इसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर बैम टेक, एक यहाँ पर देखिए आप बैम टेक, ये जो कंपनी है यह भी जनसेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। पर यह जो बैम टेक है ये यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पे काम कर रही है ज़्यादा अच्छे से, परंतु हमें आपको यहाँ पर बताएंगे जो सहज के थ्रू जो आप करेंगे तो यहाँ पर आप हर राज्य का कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बैम टेक के थ्रू बता रहे हैं। देखिए, आप पहले इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, upsc.bamtech.com, आप इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में BLE रजिस्टर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आवेदन, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के लिए होता है, तो हम अभी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से खोल देंगे तो यहाँ पर देखिए जनसेवा केंद्र ग्रामीण आवेदन फॉर्म, यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो दस्तावेज लगते हैं, यहाँ पर जो आपको आधार कार्ड लगता है, आपकी बैंक पासबुक होनी चाहिए या कैंसिल चेक होनी चाहिए, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, यहाँ पर यह दस्तावेज लगते हैं। और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पर मिनिमम 12वीं पास आप होने चाहिए और आपके पास आपके जो प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, आशा करता हूँ सारे डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पर आप इन्हें उपलब्ध करा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जनसेवा केंद्र होता है, पहले क्या था कि ये जनसेवा केंद्र एक ग्राम पंचायत में, एक गांव में एक ही दिया जाता था, पर अब इन्होंने अभी यहाँ पर थोड़ा अपना सिस्टम चेंज कर दिया है, यहाँ पर एक गांव में एक से अधिक भी दिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर एक भी और यहाँ पर चार चार भी जनसेवा केंद्र अलाट कर दिए जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम बैम टेक की इस वेबसाइट पर आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आवेदन आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पहले से BLE हैं उनके लिए यहाँ पर टिक है, तो मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना आपको अंग्रेजी में नाम भरना है, यहाँ पर हिंदी में भरना है, यहाँ पर आपको माता का अंग्रेजी में नाम भरना है, पिता का नाम भरना है अंग्रेजी में। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंग चुनना है, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर चुनना है, ईमेल आईडी और आधार कार्ड संख्या डाल देंगे। उसके बाद आपके विवाह की स्थिति यहाँ पर आप डाल देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता देखिए, यहाँ पर जो आप बैम टेक में आप 10th भी कर सकते हैं, तो और यहाँ पर मैं 10th कर देता हूँ मिनिमम। और यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या उपाधि डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो है आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर जो निवास है यह बताया जाएगा, यहाँ पर आप अपना जिला चुन सकते हैं, यहाँ पर आपकी तहसील रहेगी, आपका ब्लॉक रहेगा, आपकी ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको टाइप करनी पड़ेगी, कैपिटल लेटर इंग्लिश में टाइप करिएगा। यहाँ पर आपका गांव जो रहेगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद गाँव का नाम हिंदी में आपको टाइप करके डालना है, और यहाँ पर आप अपना पूरा पता डालेंगे, जैसे आपका गाँव, आपकी तहसील, आपका यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है, आपका थाना और आपका जिला, और यहाँ पर अपना आप पिन कोड डाल देंगे। और जनसेवा केंद्र का जो आपका आप जनसेवा केंद्र खोल रहे हैं वह किस स्थान पर खोल रहे हैं, यदि सेम जगह है तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे, यदि कोई दूसरी जगह पर खोल रहे हैं तो आप यहाँ पर उस जो जगह है उसका एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर जो घोषणा है इसे आप पहले पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपने यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी के साथ पहले से आवेदन नहीं किया होना चाहिए, यदि आपने आवेदन कर रखा है तो यहाँ पर आपको यह आपका ये जो सर्विसेस यहाँ पर आपकी हटाई जा सकती है। और यहाँ पे ये पूरा पढ़ लेंगे इनकी जो टर्म कंडीशन है, उसके बाद आप इसे टिक मार्क करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। देखिए जब आप सबमिट करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर खुलेगा,
देखिए यहाँ पर जनसेवा केंद्र ग्रामीण आवेदन फॉर्म, और यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा इस तरीके से, और आपकी जो यहाँ पर जो CSC एड्रेस और आपकी तहसील ग्राम पंचायत आपका मोबाइल नंबर डिस्ट्रिक्ट वार्ड जो भी आपने यहाँ पर भरा है वो पूरा यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है बधाई, यहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर आपका आवेदन दर्ज हो गया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है आवेदन पूरा करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दिया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। यहाँ पर आपके अलग अलग जो आपके ज़िला है आपके ज़िला के हिसाब से यहाँ पर नंबर होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर आपके ज़िले का ही जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा उसका नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि इनसे आप संपर्क करेंगे। और यहाँ पर देखिए अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार 9:30 से 6:30 बजे तक आप ये इनके सहायता नंबर दिए गए हैं और इनकी ईमेल दी गई है, आप इस पर भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना यहाँ पर पूरा आवेदन भरना है, और आवेदन भरने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें कॉल करनी है आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, और इन्हें बताना पड़ेगा कि आपने आवेदन किया है और आपकी ये तहसील है और आपका यहाँ पर ये पूरा अप्रूव कर देंगे। और इसमें मिनिमम से आप मान के चलिए 7 दिन से 15 दिन का टाइम लगता है, आपका आवेदन पूरा हो जाता है और 15 से 25 दिन में आपकी ID भी यहाँ पर दे दी जाती है। यहाँ पर जो इनकी G2C सर्विसेज होती हैं इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, परंतु यहाँ पर जो आपकी जो B2C सर्विसेज होती हैं यानी कि जो जनसेवा केंद्र वाली सर्विसेज होती हैं जैसे आय जाति निवास राशन कार्ड वगैरह और खतौनी, इस सब के लिए आपको यहाँ पर जो यहाँ पर इनके हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर जो इनके द्वारा चार्ज लिया जाता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आप अपने स्टेट में पता कर लीजिएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जब आपको बताएंगे तो वह वहाँ पर बता देंगे कि आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैम टैक्स से कर सकते हैं, और अगर आप बैम टैक्स से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप आ जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर सहज जो कंपनी है यह भी बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, इसके थ्रू भी आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे retail.sahaj.co.in और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सहज मित्र रजिस्ट्रेशन इस तरीके से खुल जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए आप एंटिटी टाइप यहाँ पर इंडिविजुअल रखेंगे और यहाँ पर देखिए SM टाइप यहाँ पर सहज मित्रा ही रहेगा, आप यहाँ पर सहज मित्रा है जो कि जनसेवा केंद्र को सहज मित्रा बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर एरिया आपको अपना रूरल अर्बन जो भी है वो आप भर देंगे। उसके देखिए यदि आप किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देंगे और कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर देखिए और भी नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करेंगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP डालेंगे तो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आपका व्हाट्सएप नंबर भी सेम है तो इसे सेम कर देंगे, यदि डिफरेंट है तो यहाँ पर डिफरेंट डाल देंगे। अल्टरनेट यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर चेक वैलिडिटी करनी है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मिस्टर मिसेस जो भी आपका है वो यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इस तरीके से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वह चुन लेनी है, और यहाँ पर आप अपना जेंडर चुन लेंगे, मैरिटल स्टेटस चुन लेंगे और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पर यह जो पूरी डिटेल आप भर देंगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसके बाद आपका एक टैब खुलेगा जिस टैब में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भरना पड़ेगा, आपका ज़िला आपकी तहसील आपका गांव और जिस जगह पे आप अपनी ये शॉप ओपन करना चाहते हैं उसका भी एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा भरना पड़ेगा, यदि सेम है तो सेम ही भरेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी शॉप यहाँ पर खुद से आप चला रहे हैं या रेंट पे चला रहे हैं, यदि आप रेंट पे चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ रेंट एग्रीमेंट भी मांगा जा सकता है। और यह सब डिटेल आप भरने के बाद आप जब इसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक जो आप अपना बैंक का विवरण देंगे वहाँ पर आपको बैंक कैंसिल चेक या पासबुक का जो फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको अपना अकाउंट नंबर और जो पूरी डिटेल होती है बैंक की वह आप भरेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है आपके जो यहाँ पर एक नॉमिनी टाइप आप समझ लीजिए यानी कि गारंटी वाला पर्सन को एक आपको यहाँ पर अपने फैमिली फ्रेंड किसी का भी नाम यहाँ पर देना पड़ता है, जिसके लिए या मतलब कोई भी अगर आगे प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वहाँ पर जो एक किसी पर्सन का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो आप किसी का भी कर सकते हैं, अपने यहाँ पर भाई वगैरह का कर सकते हैं या किसी फैमिली फ्रेंड किसी का भी कर सकते हैं, तो वह डिटेल आप पूरी भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड आपका पूछा जाता है आपका सेंटर का, तो यहाँ पर आप इस तरीके से गूगल पर सीधे से यहाँ पर लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये ऊपर ही एक वेबसाइट शो कर रही है, आप इस वेबसाइट को खोलेंगे और यहाँ पर आप अपने कोई भी आपका जो
एड्रेस है, आप अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर इस तरीके से फाइंड कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए लैटीट्यूड आ गया और यहाँ पर लॉन्गीट्यूड भी आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसे सिंपली इसी तरीके से कॉपी कर लेंगे दोनों जगह से और वहाँ पर आप इसे सीधे से पेस्ट कर देंगे। तो आप लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड भी भर देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो फिर कुछ बेसिक सी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ती हैं और बेसिक डिटेल भरने के बाद जब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करने से पहले आपका एक पूरा डिटेल जो आपने भरी हुई है वह डिटेल पूरी इस तरीके से खुलती है और उस डिटेल को आप पहले से पूरा यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। और डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप इसे यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वहाँ पर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। और यदि आपकी डिटेल पूरी सही भरी हुई है तो आप अपनी डिटेल वहाँ पर इसे यहाँ से कुछ यहाँ पर जो आपको संशोधन करना है तो उसे आप संशोधन भी कर सकते हैं। और संशोधन करने के बाद उसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर एक आपकी एक जो इस मित्रा आईडी आपको मिलती है जो कि आपको सिर्फ ट्रैकिंग के लिए होती है कि आपका एप्लीकेशन किस जगह पहुंच गया है। तो उस आईडी को आप अपने मोबाइल पे भी आपके एसएमएस में आ जाता है, तो उस आईडी को आप अपने कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके रख लेंगे। और जो आपकी आईडी होती है उसके बाद आप देखेंगे उसे ट्रैक किस तरीके से करना है। तो आप उसके बाद इसी वेबसाइट पर आएंगे retail.site.co.in और यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका नो रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको वो एप्लीकेशन आईडी जो है वो यहाँ पर आपको जो डाल देनी है और सबमिट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका अभी एप्लीकेशन पेंडिंग में है या अप्रूव हो गया है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको जो अब आप एप्लीकेशन का आपको जो वहाँ पे जो सबमिट होने के बाद जो आपको एप्लीकेशन मिलता है साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है। तो वहाँ पर आप टोल फ्री नंबर से उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम जो आपको टाइम दिया जाता है यहाँ पर 15 से 25 दिन यहाँ पर भी लग जाते हैं आपको, तो 15 से 25 दिन में आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं बीच में ताकि आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इस तरीके से आप इन्हें कॉल करके भी बता सकते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वहाँ पर आपको उनके थ्रू नंबर दे दिया जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का और उनसे आप संपर्क करके अपना जनसेवा केंद्र जो आपका एप्लीकेशन नंबर बताएंगे और वह उसे वेरीफाई करके आपकी आईडी पासवर्ड दे देते हैं। और यहाँ पर भी आपको कुछ यहाँ पर G2C सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज नहीं लिया जाता है, परंतु B2C सर्विसेज के लिए यहाँ पर हर स्टेट के अनुसार अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। तो आपके स्टेट के अनुसार आपका चार्ज अलग होगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पता कर सकते हैं जब आपकी आईडी मिल जाती है। जब आप वह चार्ज पे कर देते हैं तो आपकी आईडी पूर्णतया एक्टिवेट हो जाती है और आप काम करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जनसेवा केंद्र खोलना होता है। और जब आपकी आईडी पासवर्ड मिल जाता है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से आपको सैज से मिला है या आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक से मिला हुआ है, तो इसे आप किस तरीके से लॉगिन करेंगे तो वह भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यह हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के लिए आएंगे तो यहाँ पर देखिए edistrict.up.nic.gov.in यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर है, तो आप इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे जो जनसेवा केंद्र भाई लोग हैं वो इसी वेबसाइट से जो भी काम है सारा काम इसी वेबसाइट से करते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे edistrict login, आप इस जो लिंक पर आएंगे और यहाँ से आप अपना यहाँ पर CSC e-district यूज़र करेंगे और आपको जो B2C G2C के लिए दो आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं, तो आपका जो B2C का जनसेवा केंद्र का आईडी पासवर्ड होता है वह यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आप इसे सबमिट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको जो भी काम करना रहेगा आपको सारा काम e-district की वेबसाइट पर करना होता है। e-district की हर स्टेट की वेबसाइट अलग अलग होती है, तो आप अपने स्टेट की वेबसाइट पे ही काम करेंगे। वहाँ पर जो आप किसी भी जो आपकी जो होती है जो सर्विस प्रोवाइडर, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आईडी लीजिए, आपको लॉगिन अपने जो गवर्नमेंट की e-district साइट है उसी पे करना होता है और सारा काम उसी पे होता है। तो वहाँ पे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की आईडी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करना है और पूरे प्रोसेस को इसी तरीके से आपको फॉलो करना है और अपना जनसेवा केंद्र खोल के उस पर आप काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जिससे और भाई लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।